ओम शांति। आज की तारीख है 22/5/24 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे बच्चे तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ, वरना कोई भी अंदर दाग नहीं होना चाहिए। प्रश्न, किस अवस्था को जमाने की मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, देखते भी न देखो, देह में रहते देही अभिमानी रहो। ये अभ्यास अवस्था को जमाने में टाइम लगता है। बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद न आए, इसके लिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है और अपना चार्ट रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुखी हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है और वैल्यूएबल हीरा बनना है। नंबर दो, जैसे बाप ने हम बच्चों का श्रृंगार किया है, ऐसे सबको श्रृंगारना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान सतगुरु शिव पिता का, ब्राह्मण जीवन में एकाग्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। बाबा कहते हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल को धारण कर लो तो सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपकी रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी ये पर्सनालिटी विशेष रही है, फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्यूरिटी की रॉयल्टी है, इसीलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। स्लोगन, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।